दोस्तों डिंपल कपाड़िया 80s और 90s के दौर में बॉलीवुड का एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर न सिर्फ उस वक्त की अभिनेत्रियां बल्कि अभिनेता भी उनके टैलेंट का लोहा मानते थे। सिर्फ डिंपल की एक्टिंग ही नहीं बल्कि खूबसूरती और उनके घने बालों का जादू लोगों पर बहुत चलता था। आज डिंपल भले ही 60 की उम्र पार कर चुकी हो लेकिन उनके बाउंसी हेयर का जलवा आज भी बरकरार है। आज हम आपको इस खूबसूरत बला के इन हैवी और बाउंसी हेयर का राज बता रहे हैं। इस बात को डिंपल ही कई बार अपने इंटरव्यू में बता चुकी हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो राज। दोस्तों अपने बालों पर क्वेश्चन सुनने के बाद डिंपल हमेशा से ये कहती आई हैं कि उनके बालों के पीछे कोई राज नहीं है बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर है। वे कहती हैं कि अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो उसका असर आपके हर हिस्से पर दिखेगा। शायद मेरे बालों का सीक्रेट भी यही है। इतना ही नहीं डिंपल ने कभी कभी आयलिंग करने को भी जरूरी बताया है। वे कहती हैं कि रेगुलर शैम्पू करने से आपको बचना चाहिए। स्वस्थ बालों के लिए जरूरी है कि आप दिन में कम से कम 2 बार कंघी जरूर करें। इससे आपके बाल डैंड्रफ से बचेंगे और बालों से दिन भर की गंदगी भी लगातार निकलती रहेगी। बालों को कलर करने के लिए सादे पानी की बजाय आपको चाय पत्ती या फिर काफी वाले पानी का उपयोग करना चाहिए। बालों को कंडीशनर करने के लिए बालों में दही, अंडा, नींबू का प्रयोग आपको करना चाहिए। खट्टी दही में चुटकी भर फिटकरी और थोड़ी सी हल्दी के मिश्रण को बालों में लगाने से बाल निखर उठते हैं और बालों में फैला हुआ किसी भी तरह का संक्रमण हो तो वो दूर हो जाता है। बालों में सप्ताह में 1 बार जैतून के तेल से मालिश जरूर करना चाहिए। इससे बालों में मजबूती आती है। दोस्तों धुले हुए बालों में मेहंदी को पीस कर लगाना भी अच्छा रहता है। इससे बालों में मजबूती आती है और सप्ताह में कम से कम 2 बार बालों को जरूर धोना चाहिए। इससे बालों में होने वाली गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है। सिर में डैंड्रफ है तो इससे छुटकारा पाने के लिए बालों को गर्म पानी में तौलिए को भिगाकर आपको भाप देनी चाहिए। यूज की गई चाय पत्ती को थोड़े से पानी में उबाल लें, इसके ठंडे होने पर बालों में लगाएं। इससे आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। बालों को चमकदार बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर कम से कम 1 घंटे के लिए लगाएं और इसके बाद बाल को धो लें। इससे आपके बाल चमकदार हो जाएंगे। दोस्तों बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए खाने में आपको प्रोटीन और वसा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। ताजे फल और सब्जियों का उपयोग आपको ज्यादा करना चाहिए। बालों में चमक लाने के लिए और झड़ने से बचाने के लिए सरसों या फिर जैतून के तेल में नींबू का रस मिलाकर बालों की जड़ों में आपको लगाना चाहिए। 3 घंटे के बाद बालों को साफ पानी से आपको धुल लेना चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।